आखिरकार पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऐश और पॉल आमने सामने आ गए हैं और लेक एक्विटी के तट पर हुए मुकाबले के बाद उन्होंने वो सब कुछ सीख लिया है जो जरूरी था। यकीनन ये मुकाबला दिल दहला देने वाला होगा। के बाद क्या होता है, ग्लाइस्कोर ये अटैक करने के बाद थोड़ी देर के लिए हिल भी नहीं पाता है, इसीलिए ग्लाइस्कोर ने डिफेंस के लिए वो पोज किया था। बढ़िया है ना, ग्लाइस्कोर ने एयर बैटल मास्टर के साथ लड़ाई में बहुत कुछ सीखा है। उसके साथ ट्रेनिंग सच में तुम्हारे लिए एक अच्छी बात थी, है ना? से ही मैं पॉल को मुकाबले में हराने की स्ट्रेटजी बनाने में लगा हूँ। पर वो तुमसे कैसे जीता? पॉल के इतने सारे मुकाबलों के एक्सपीरियंस की वजह से वो बहुत ही ताकतवर है। हाँ, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। देखो, ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें भी बहुत सारे मुकाबलों का एक्सपीरियंस है ना? हाँ, पर मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि अगर मैं पॉल के एक्सपीरियंस के बारे में इतना सोच रहा हूँ तो मुझे अपने पिछले मुकाबलों के एक्सपीरियंस के बारे में भी सोचना चाहिए। तो तुम्हें उसका कुछ पता चला? तुम देख लेना, जल्द ही जब मैं पॉल से मुकाबला करूँगा तुम सब समझ जाओगे, है ना पिकाचू? मुझे पता है कि तुम काम में बिजी हो। हाँ, तो मुझे बताओ क्या तुमने अपने पोकेबॉल का क्रम बदलने के बारे में कुछ सोचा है? नहीं, मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। पता है मैं बहुत खुश हूँ। पर किस लिए? तुम्हें और ऐश को एक दूसरे को जानने का मौका मिला, और दूसरा ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है जिसने तुम्हें इतना प्रभावित किया है। मुझे तुम्हें एक आखिरी बात बतानी है। पॉल, तुम्हें जीतना ही होगा। ऐश के हुनर को बिल्कुल कम मत समझना, तुम्हें जीनो लीग जीतना ही होगा। मैं जीतूंगा। ऑल द बेस्ट पॉल। उसका क्या चल रहा है ये बताओ। तुम्हारा मतलब ऐश से है? रुको, अगर तुम कोई सवाल पूछते हो तो क्या तुम्हें उसका जवाब नहीं जानना? इस वक्त ऐश अपने पोकेमोन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, मैं उसे बुलाऊं? देखो, उसकी जरूरत नहीं। फिर तुमने उसके बारे में क्या पूछा? मुझे नहीं पता। ओह बढ़िया, मैं बस उसे पसंद नहीं करता। वो मेरे भाई की तरह बात करता है, दोस्ती भरोसा। मेरा भाई भी हमेशा ऐसी ही बातें करता रहता है। लेकिन पॉल, ऐश रजी नहीं है, ऐश ऐश है और इसमें कोई शक नहीं। पॉल, हाय डॉन, हाय पॉल। सुनो, मेरे लिए ऐश बाकी ट्रेनर्स की तरह ही है जिससे मेरा क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होने वाला है, और अगर मैं सिनो लीग जीतना चाहता हूँ तो मुझे उसे हराना होगा। तो डॉन, तुम ये पता लगा रही थी ना कि पॉल कौन सा पोकेमॉन इस्तेमाल करने वाला है? मुकाबला देखने वाली है पॉल, उम्मीद है ये मुकाबला अच्छा होगा। यकीनन अच्छा होगा। मुझे याद है, जब हर जीत किसी दूसरे जीत से मिलता है तो कुछ पैदा होता है। ये क्या? मैं नहीं जानता था तुम एक पोएट हो। ये कहावत है सिनो टाइम स्पेस लेजेंड से, और सिंथिया ने भी पॉल और ऐश के बारे में यही कहावत कही थी। ठीक है, तो जब ऐश पॉल से मिलता है या पॉल ऐश से मिलता है तो कुछ पैदा होगा। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वो कुछ क्या होगा। शायद हमें आज के मुकाबले में पता चल जाएगा। मैं सच में तुम्हारी आधी अधूरी बातें सुनकर रुक चुका हूँ। तुम मुझे आधी बात बता कर उलझन में डाल रहे हो। जो भी कह रहा है सब सब कहो। आज मैं तुमसे लड़ाई के मैदान पर मिलूंगा। मैं भी। छोड़ो,
डबल साउंड से सामने वाले पोकेमोन का स्पेशल डिफेंस कमजोर हो जाता है, और अगर उसका असर यहाँ तक हो रहा है इसका मतलब वो बहुत शक्तिशाली है। की स्पेशल एबिलिटी है रॉक हेड। ये एक ऐसा मूव है जिससे किसी भी तरह के अटैक को ब्लॉक किया जा सकता है। वाह! उसके बाद क्या अनोखी क्षमता है? रुको, क्या ये कभी हमला करने के लिए पहले हमला झेलना पड़ता है? इन्फर्नेट के प्लेयर ब्लिट्स अटैक का असर उसके अपोनेंट पर बार बार होगा। नहीं कहा जा सकता, कोई भी जीत सकता है। दोनों की ही स्ट्रेटजीज एक दूसरे से अलग है। वही पोकेमोन चुने हैं जो उसने लेक एक्विटी पर इस्तेमाल किए हैं, और अगर ये बात सच है तो मुझे पता है कि आज के आखिरी तीन पोकेमोन कौन से होंगे। ऐसा करके पॉल मेरी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा है। उसने साबित कर दिया कि वही मेरा सच्चा ओपोनेंट है।
पॉल का एक पहलू है जो नहीं बदला है, खेल में आगे बढ़ने से पहले ऐश को उसी के मूव्स में फंसाकर उसे पूरी तरह से कमजोर बनाए रखना। तो अब ये देखना होगा कि उन 6 पोकेमोन का इस्तेमाल ऐश कैसे करता है। हम उसके नजदीक नहीं जा सकते। वैसे तो गैस्ट्रोडॉन एक भारी पोकेमोन नहीं है, लेकिन ये पॉल का पोकेमोन है। इसका मतलब है कि उसने हर मुकाबले के लिए उसे अच्छी ट्रेनिंग दी होगी। कैरेक्टर को बहुत दर्द हो रहा होगा। उसकी एक और बढ़िया चाल। शुक्र है दोस्तों, इंफर्नो से बच गया। सरासर गैस्ट्रोडॉन को अपने पीठ के ऊपर से हटाओ, जल्दी। ऑलराइट, वाटर पल्स यूज करो और इसे सीधा ऊपर फेंको। सीधा स्टार रैप्टर पर ही गिरे। उम्मीद नहीं थी कि पॉल आइस बीम का इस्तेमाल करेगा जब उसका पोकेमोन हवा में होगा। और मैं बता सकता हूँ कि पॉल ने पहले से गैस्ट्रोडॉन की मूव को प्लान किया होगा अगर स्टाराप्टर किसी तरह से बच निकलता है। मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ, तो फिर हो जाए। मैं तुम्हें चुनता हूँ। तो चौथा पोकेमोन वीजल है। वाह, मैं तुम्हारी रणनीति समझ गया हूँ। मैंने तुम्हारे जिन पोकेमोन्स को पहली बार हराया था तुम उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम उनकी निराशा को दूर कर सको और इस बैटल को जीत सको। मैंने सही कहा ना? सही कहा पॉल। मैं और मेरे पोकेमोन तुमसे बदला लेना चाहते हैं। भले ही हम एक बार तुमसे हारे होंगे पर ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है और हम तुम्हें हरा कर रहेंगे। ठीक है, आइस बीम। उस आइस बीम को रोको और एक्वाजेट इस्तेमाल करो। होगा कि पॉल का पहले दो पोकेमोन का हारना उसके प्लान का हिस्सा है। वो समझदार है। पॉल का तीसरा पोकेमोन है रैपियन। ठीक है बिजल, पहले उनसे बचो। जल्दी से वाटर गन का इस्तेमाल करो।
कोई भी उम्मीद करेगा कि अगर मुकाबला ऐश और पॉल के बीच है तो वो घमासान ही होगा। ऐश मुकाबले में आ गया है लेकिन पॉल का जवाबी हमला शुरू हो चुका है, तो कौन उठाएगा जीत का मजा? ऐश या पॉल? जवाब जल्द ही मिल जाएगा क्योंकि सिनोलीग क्वार्टर फाइनल लिली ऑफ द वैली आइलैंड पर शुरू हुआ है। ऐश और पॉल के बीच घमासान मुकाबला शुरू है और ऐश ने पॉल के पहले दो पोकेमॉन एग्रॉन और गैस्ट्रोडॉन को मुकाबले से बाहर कर दिया है, लेकिन मजबूत इरादे वाले पॉल ने अपने तीसरे पोकेमॉन ड्रैपियन के साथ मिलकर जबरदस्त जवाबी हमला शुरू किया है। अब हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, इन दो माहिर ट्रेनर्स में से कौन जीत का दामन चूमेगा? देखते रहिए। चलो बुजुर्ग सोनी बूम इस्तेमाल करो, बुजुर्ग की पूछ पकड़ो। सोनी बूम कहां का असफल रहा क्योंकि ड्रैपियन ने अब बुजुर्ग को अपनी पकड़ में बंद कर दिया है। ड्रैपियन तो बहुत ताकतवर है, अब मैं क्या करूं? समझ गया, सोल्यूशन सेट का इस्तेमाल करो जल्दी। अब गोडेगन इस्तेमाल करो। बुइजल बच निकलने में कामयाब हुआ। वाह बहुत अच्छे बुइजल। बुइजल बच निकला क्योंकि आज बुइजल की शक्ति को अच्छी तरह से जानता है। क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा बुइजल उसके चंगुल से बच निकला। इस तरह का मूव सिर्फ आश ही कर सकता है। आश के इस मूव का जवाब नहीं, मैं भी उसका इस्तेमाल करूंगा। ऐसा लगता है कि पॉल इस अटैक से डर गया होगा। समय के बाद ऐश का एक पोकेमॉन हार गया, लेकिन अब तक ये पता नहीं कि कौन जीतने वाला है। टॉक्सिक स्पाइक्स अगर ऐसे ही मैदान पर रहेंगी तो ऐश की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। शायद पॉल जानता था कि ऐश बुइजल को बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। क्या बात है, जब बुइजल बच निकला तब पॉल जानता था ये उसके लिए अच्छा मौका है। यकीनन पॉल को पहले से ही इस मौके का इंतजार था। कोई बात नहीं बुइजल, वापस आ जाओ। आज तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब सराचर मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये हुआ ना सही फैसला, स्टेराप्टर पर टॉक्सिक स्पाइक्स का कोई असर नहीं होगा। हमारे स्टेराप्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेराप्टर ड्रैपियन की पूंछ से सावधान रहना। वेब मिसाइल, उससे बचो। स्टेराप्टर अपने मिसाइल से बच निकलने में कामयाब हुआ और लगता है कि स्टेराप्टर की ताकत पर उसे पहले पहुंचे हुए नुकसान का कोई असर नहीं हुआ। स्टेराप्टर एरियल इस्तेमाल करो, उसे रोकने के लिए तैयार रहो। जल्दी करो। अपने आप को छुड़ाओ स्टेराप्टर। क्रॉस पॉइजन। पॉइजन और टॉक्सिक स्पाइक के मेल की वजह से होता है शक्तिशाली हमला। स्टेराप्टर नहीं। स्टेराप्टर अब लड़ नहीं सकता। ड्रैपियन जीत गया। ऐश के दो पोकेमॉन अब बाहर हो चुके हैं। अब दोनों के पास चार पोकेमॉन बचे हैं। कोई बात नहीं स्टेराप्टर, वापस आओ। इतना अच्छा मुकाबला करने के लिए थैंक्स, तुमने पूरी कोशिश की। ये ड्रैपियन तो तगड़ा खिलाड़ी निकला। अब स्टेराप्टर ने अच्छी कोशिश की। लगता है ऐश मुश्किल में है। अब तो तेरा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। मुझे लगा ही था ऐश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और यही चाहता है। अगर ऐश के पास पॉइजन टाइप पोकेमॉन होता तो दोनों पोकेमॉन बराबरी पर होते और टॉक्सिक स्पाइक्स का असर बिल्कुल खत्म हो जाता। हाँ, क्या ये सच है? ड्रैपियन क्रॉस पॉइजन अभी। एनर्जी बॉल। Yeah!
जवाबी हमला करने कहना एक बुरा फैसला था। ऐसा लग रहा था कि पॉल टॉर्टेरा के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। तुमने बिल्कुल सही कहा डॉन। हाँ? पॉल सही मौके का इंतजार कर रहा था और इससे अब एश का कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो गया है। टॉर्टेरा वापस आओ। तुमने जीतने की पूरी कोशिश की टॉर्टेरा, शुक्रिया, अब आराम कर लो। तुम्हारे पास अभी भी ग्लास स्कोर बचा है ना? हाँ। मैं तुम्हारे मुकाबले की तकनीक को समझ गया हूँ एश, वो भी एग्रॉन और गैस्ट्रोडॉन की बदौलत। क्या? मैंने जानबूझकर तुम्हें एग्रॉन और गैस्ट्रोडॉन को चुनने दिया ताकि मैं तुम्हारी रणनीति को समझ सकूं और ये जान सकूं कि तुम कौन सा पोकेमोन इस्तेमाल करोगे। जानबूझकर? जब से मैंने ड्रैफियन को चुना है मैं तुम्हारी हर चाल का अंदाजा लगा सकता हूँ एश। बोल, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और इसीलिए ये मुकाबला मैं जीतूंगा। मुकाबला तुम नहीं जीत सकते क्योंकि बाजी तो मेरे हाथ में है एश। ये तो वक्त ही बताएगा। ग्लाइसोर, मैं तुम्हें चुनता हूँ। एश अपने छठे पोकेमोन ग्लाइसोर को चुना है सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक स्पाइक से बचने के लिए। निंजास, लड़ाई के लिए बाहर आओ। तो अब ये मुकाबला एक एयर बैटल होगा क्योंकि बॉल ने निंजास पोकेमोन को चुना है। मूव करेगा। क्या कहते हो पॉल, तुम्हारे टॉक्सिक स्पाइक्स बर्बाद हो चुके हैं। वो एक बहुत ही शातिर चाल थी एश। चलो हो जाए। टिकट रेड निंजा की जबरदस्त स्पीड की वजह से इन्फर्नेट पूरी तरह लड़खड़ा गया है। ये क्या, निंजा की स्पीड तो कम होती जा रही है। मुझे लगता है निंजा अपने स्पीड बूस्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। स्पीड कम हो गई है। शायद निंजा पर फ्लेयर ब्लिट्ज का काफी असर हुआ है। निंजास पर अपनी नजर रखो। तो क्या इंफर्नेट निंजास पर नजर रखो?
दोनों तरफ तीन पोकेमोन बचे हैं। अब ये मुकाबला और भी रोमांचक होता जा रहा है। अब दोनों बराबर ही पर हैं। वाओ, क्या दमदार मुकाबला है। दोस्तों भूलो मत, इन्फर्नो पिछले हमले की वजह से बहुत कमजोर हो गया है। इन्फर्नो वापस आ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। फ्रॉस्टलैस, मैं तुम्हें चुनता हूँ। एक आइस टाइप पोकेमोन। ठीक है पिकाचू, अब तुम्हारी बारी है। बॉल का पांचवा पोकेमोन है फ्रॉस्टलैस। फ्रॉस्टलैस हील का इस्तेमाल करो। ये क्या है? पिकाचू इस बोस टाइप पोकेमोन की तरह की हरकतों से हक्का पक्का हो गया है। मैं उस पर नजर नहीं रख पा रहा हूँ। फ्रॉस्टलैस एक घोस्ट की तरह सामने आ रहा है और गायब हो रहा है। ये उसकी स्पेशल एबिलिटी है जिसका नाम है स्नो क्लोक। धुंध होने की वजह से अपोनेंट हमले के लिए निशाना नहीं लगा पाता है। पिकाचू समय पर रहना। पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। अभी थंडरबोल्ट का कोई असर नहीं हो रहा। पिकाचू का थंडरबोल्ट अपने टारगेट को ढूंढ नहीं सकता है क्योंकि एक ही शक्ति से फ्रॉस्टलैस पूरी तरह से है। आइस शॉट इस्तेमाल करो। पिकाचू उससे बचो। बहुत असरदार था। आज को जल्द ही कुछ बेहतर करना होगा क्योंकि ये मुकाबला एक तरफा होते जा रहा है। जाओ पिकाचू। ठीक है बहुत हुआ पिकाचू, वो ही टाइटल अभी। फ्रॉस्टलैस ने उस टाइटल को चकमा दिया। ऐसा लगता है कि फ्रॉस्टलैस की स्नोक्लोक शक्ति और उसके जवाब की हरकतों ने ऐश और पिकाचू को हक्का बक्का कर दिया है। पिकाचू तुम्हारे पीछे। हमले से धुंध भी चली गई। अगर ऐश ने ये जानबूझ के किया है तो फिर ऐश को मारना पड़ेगा। फ्रॉस्टलैस ने शक्ति डाली है। टीम के साथ ये जवाबी हमले में पिकाचू फंस गया है और वो फंस नहीं सकता। पिकाचू तुम्हें वहां से निकलना होगा जल्दी। पिकाचू हिल नहीं पा रहा है जबकि आई टीम की फील्डिंग शक्ति अपना काम कर रही है। पिकाचू जल्दी करो, वहां से निकल जाओ। पॉल के पास अभी दो पोकेमोन बचे हैं और उनमें से एक ने मुकाबला भी नहीं किया है। वहीं ऐश के सभी पोकेमोन मुकाबला कर चुके हैं, यानी इसका मतलब साफ है इस मुकाबले में पॉल के पास एडवांटेज है। मुझे झटकी लेने की जरूरत है, ये मुकाबला देख के मैं थक गया हूं। मुझे भी तरोताजा होने की जरूरत है। रुको जेसी, पिकाचू और आराम कर लो। आज पिकाचू को वापस बुला लिया है और पॉल के पास अब भी दो पोकेमोन बचे हैं। अगला पोकेमोन चुनने का वक्त आ गया है। ड्रैगियोन, मैं तुम्हें चुनता हूँ। लाइफबोर्ड, मैं तुम्हें चुनता हूँ। लाइफबोर्ड अब भी लड़खड़ा रहा है। जाहिर है निंजा के उस पिछले लड़ाई का असर अभी तक है। लाइफबोर्ड, चलो देखते हैं कि तुमने एयर बैटल मास्टर के साथ अपनी ट्रेनिंग में क्या सीखा है। तुम तैयार हो? मैं ग्रिपियन के मुकाबला करने के तरीके को समझ चुका हूँ और अगर मुझे पॉल को हराना है तो मुझे ग्लाइडर की मदद लेनी होगी। ऊपर जाओ। Yeah!
और ये सब एयर बैटल मास्टर की वजह से हो रहा है। अब ग्लाइस गॉड डिग इंपैक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी आसानी से उड़ सकता है। ग्लाइस गॉड ने सच में कड़ी मेहनत की है। मानना पड़ेगा कि ग्लाइस गॉड और एश मुकाबले के लिए बढ़िया जोड़ी है। ये पॉल के लिए इम्तिहान की घड़ी है। इस मुकाबले को कौन जीतेगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे लगता है कि पॉल को एश की रणनीति अब समझ नहीं आ रही, तो अब वो क्या करेगा? बढ़िया, उस टोनेज ने मेरा दिल जीत लिया। तो देख सकते हैं कि इन दो माहिर ट्रेनर्स के बीच के मुकाबले ने भयानक रूप धारण किया है, और आपका सोचना गलत नहीं होगा कि ये रोमांच और भी बढ़ेगा। तो देखते रहिए क्योंकि सिनोली जारी है। मिली ऑफ द वैली आइलैंड पर सिनोली क्वार्टर फाइनल में एश और पॉल के बीच एक घमासान मुकाबला चल रहा है। एश के पास अब 3 पोकेमोन बचे हैं, जबकि पॉल के पास है 2 पोकेमोन। देखकर लगता है कि एश का पलड़ा भारी है, लेकिन उसके पोकेमोन को जो नुकसान पहुंचा है वो कुछ अलग ही कहानी बताता है। देखते रहिए मुकाबला कौन जीतेगा। मिसल्स के हमले का दायरा ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उसका असर भी ज्यादा हुआ। डटे रहना ग्लाइस गॉड, तुम कर सकते हो। क्रॉस पॉइजन इस्तेमाल करो। फायर बैंक इस्तेमाल करो। क्या बात है ऐश, बहुत बढ़िया। ग्लाइस गॉड ने बाजी मार ली। चलो ऐश, उसके आखिरी पोकेमोन को हरा दो। ऐश को रिलैक्स नहीं करना चाहिए। ग्लाइस गॉड तुम ठीक तो हो? नहीं, ग्लाइस गॉड घायल हो गया। इतने हमलों के बाद वो बहुत कमजोर हो गया है। हाँ, और बॉल का आखिरी पोकेमोन अभी तक मैदान में आया नहीं है। वो पूरे जोश में होगा, बॉल के जीतने के चांसेस ज्यादा है। चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐश जीतेगा। ग्लाइस गॉड वापस आकर आराम करो। इलेक्ट्रिक टाइप हमलों का ग्लाइस गॉड पर कोई असर नहीं होता, पर फिर भी पर ग्लाइस गॉड ठीक है, तुम चाहो तो लड़ सकते हो। लगता है ऐश ग्लाइस गॉड के साथ मुकाबला जारी रखेगा। सुनो ग्लाइस गॉड, पूरी ताकत लगाना। क्योंकि ग्लाइस गॉड ग्राउंड टाइप है, इसलिए इलेक्ट्रिक टाइप हमलों का उस पर कोई असर नहीं होगा। ऐश ने अच्छा चुनाव किया, पर मुझे अब भी लगता है कि ग्लाइस गॉड बहुत कमजोर है और उसे आराम चाहिए। ऐश को इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए। मैदान पर थंडर का इस्तेमाल करो। नहीं, ये क्या पॉल ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं। पॉल को हराना आसान नहीं है। चलो मुकाबला खत्म करें। ग्लाइस गॉड गीगा इंपैक्ट। रुको सही। ओ नहीं, इलेक्ट्रिक ने अपनी फुट की मदद से ग्लाइस गॉड को पकड़ लिया है। यकीन नहीं होता ग्लाइस गॉड फिर से फंस गया है। पॉल अपने अपोनेंट को अटैक करने देता है और फिर आखिरी सेकंड पर वो अपना काउंटर अटैक करता है। ग्लाइस गॉड खुद को छुड़ाओ। ग्लाइस गॉड काफी कोशिश कर रहा है लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा है। ब्रेक ब्रेक जाओ। ग्लाइस गॉड नहीं, ग्लाइस गॉड अब लड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रिक वायर जीत गया। ग्लाइस गॉड मुकाबले से बाहर हो गया है। अब ऐश के पास बचे हैं सिर्फ 2 पोकेमोन। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर तो बेमिसाल है। क्या ऐश के पास ऐसा कोई पोकेमोन है जो इससे मुकाबला कर सके? उसके पास पिकाचू और इन्फिनिट है। ठीक है ग्लाइस गॉड वापस आओ। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं ये मुकाबला जीतता हूँ। ठीक है पिकाचू। पिकाचू फिर से ऐश का साथ देने के लिए मैदान में आ गया है। फिर से जलवा दिखाने आ गया। पॉल को फंसाने के लिए स्पीड का इस्तेमाल करेंगे।
अगर ये काम किया तो इलेक्ट्रोबायर की स्पेशल एबिलिटी का नाम है मोटर ड्राइव। अगर उस पर इलेक्ट्रिक टाइप हमले किए जाते हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और अगर इलेक्ट्रोबायर की स्पीड बढ़ गई तो वो और खतरनाक हो जाएगा। फिर ऐश को इलेक्ट्रिक टाइप हमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम सही हो बैरी, बढ़िया। मैदान पर थंडर का इस्तेमाल करो। मैं जानता था वो फिर से ऐसा करेगा। क्विक अटैक इस्तेमाल करो। दिमाग खराब है कि बार बार एक ही गलती किए जा रहा है। शायद उसके पास कोई प्लान है। बेचारा पिकाचू फंस गया। हाँ, और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। छूटने के लिए उसे कुछ करना होगा। ऐसा लगता है कि ऐश तुम जानते थे कि मैं थंडर का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन पिकाचू को भारी नुकसान पहुँचा है, जबकि इलेक्ट्रोवायर को नहीं। पिकाचू अब बस हारने ही वाला है। पिकाचू ठीक है, के लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दोनों पोकेमोन इलेक्ट्रिक टाइप के हैं, यानी इलेक्ट्रिक हमले करने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब जो हमले बचते हैं वो है बिग ब्रेक, आयरन टेल और क्विक अटैक। हमें सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, भले ही इलेक्ट्रिक टाइप अटैक असरदार ना हो। पिकाचू वोल्ट टैकल अभी। कम ऑन ऐश, ये काम नहीं करने वाला। पिकाचू वोल्ट टैकल के साथ हमला कर रहा है। इसके पीछे ऐश का प्लान क्या है? इलेक्ट्रोवायर, रुको से। वही हालात है जब हम पहली बार मुकाबले के लिए आमने सामने आए थे। तुम कई बार चाहते थे ताकि तुम आयरन टेल के साथ लड़ाई खत्म कर सको, लेकिन अब पिकाचू फंस गया है और अगर उसने थोड़ी सी भी बचने की कोशिश की तो उसका सामना थंडर पंच से हो जाएगा। और एक ऐसा हमला है जो लेकिन बार अभी भी अपने बाएं हाथ के साथ कर सकता है। वो ब्रेक ब्रेक है। सही कहा, ब्रेक ब्रेक हमला। पिकाचू अब लड़ नहीं सकता। इलेक्ट्रोवायर जीत गया। ऐश का पांचवा पोकेमोन मैदान के बाहर बचा भी बचा है। इन्फिनिटी। पिकाचू ने जीतने के लिए बहुत कोशिश की। इलेक्ट्रोवायर वाकई बहुत शक्तिशाली है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इन्फिनिटी आ गया है। पिकाचू हार गया। अब कौन उड़ा गया? हमारा इन्फिनिटी लीडर उससे बचा। इन्फिनिटी तेरे जैसा है बस तू। पिकाचू तुमने पूरी कोशिश की। मैं वादा करता हूँ ये मुकाबला जीत कर रहूंगा। देखते जाओ, अब सब तुम पर निर्भर है। सुनो पॉल, सच्चाई ये है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी ने पासा पलट दिया है और इस मुकाबले में तुम मुझ पर हावी हो, पर फिर भी ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। तो अपनी पूरी ताकत लगाओ। इन्फिनिट, मैं तुम्हें चुनता हूँ। हमारे दोनों कंपटीटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है ये, क्योंकि इन्फिनिट का सामना इलेक्ट्रोवायर के खिलाफ है। इलेक्ट्रोवायर ने सिर्फ पिकाचू के साथ हुई लड़ाई में थोड़ा नुकसान उठाया है, जबकि इन्फिनिट का कई लड़ाइयों में काफी नुकसान हुआ है और साथ ही उसे टॉक्सिक स्पाइक पॉइजन से चोट भी पहुंची है। तो देखते हैं आखिर में किसका पोकेमोन बचेगा। Yeah.
इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों ही अब एक ही लेवल पर हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? रेजी ने कहा था कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों की मंजिल एक ही होती है, लेकिन ये अपने अपने रास्ते चुनते हैं उस मंजिल तक पहुँचने के लिए। और आज इन दोनों के रास्ते एक दूसरे के सामने हैं, और दोनों इस बात को अच्छे से जानते हैं। उसके जाल में फिर से मत फंस जाना। थंडर! इस बंदे को थंडर के हमले से बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जब केले के बाल ने उसे कस के पकड़ा हुआ है। हार मत मानना, अब सब तुम पर निर्भर है। ये तो बहुत बुरा हुआ। उसकी एनर्जी बहुत कम हो रही है, ऐसा लग रहा है ऐश अब हारने वाला है। बात है दोस्तों, पॉल हार गया, लेकिन इस मुकाबले के बाद पॉल और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा।
जैसे ही पॉल वापस आएगा हम मुकाबला करेंगे। हाँ हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। ऐश ने मुकाबला जीतकर बढ़िया काम किया इसलिए मैं उसे बधाई देने आया, पर वो यहाँ है नहीं तो उसे हर जाना भुगतना पड़ेगा। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम तो चैंपियन सिंथिया हो। सिंथिया, अगर तुम ऐश को ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ से जा चुका है। मुझे लगता है वो पॉल से मिलने गया होगा। चैंपियन दूसरे चैंपियन से मिलता है तो कुछ अद्भुत होता है। आज के इस मुकाबले के बाद इन दोनों के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा और एक नई पारी की शुरुआत होगी और वो दोस्त बनेंगे। जब वो मिले थे तो एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे, पर अब वो दोनों समझ गए हैं कि दोनों ही कमाल के ट्रेनर्स हैं। यही वजह है कि आज का उनका मुकाबला बढ़िया था। और एक चीज जिसकी वजह से मुमकिन हुआ, इन्फोनेप अब बहुत ताकतवर हो गया। ऐश, हाँ तुम सही कह रहे हो। पॉल, तुम जा रहे हो? मैं हार गया ऐश, है ना? तो अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। अब मैं वापस स्नो पॉइंट सिटी जा रहा हूँ और ब्रैंडन को मुकाबले के लिए चुनौती दूंगा। ठीक है पॉल, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, गुड लक ऐश। पॉल और ऐश, किसी ना किसी दिन ये दोनों चैंपियन लीग में हिस्सा लेंगे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। तो हम जल्दी मिलेंगे। एक और बात पॉल, जल्दी हम फिर से मुकाबला करेंगे। और अपने सबसे बड़े ओपोनेंट के खिलाफ स्नो लीग मुकाबला हारने के बाद पॉल अपनी अगली चुनौती की ओर बढ़ रहा है, और ऐश पॉल के खिलाफ अपनी जीत के बाद अपने अगले मुकाबले में जाने के लिए तैयार है, जो है डार्क राय के खिलाफ। क्या स्नो लीग की किस्मत ऐश को फिर से जीत का स्वाद चखने देगी? इसका जवाब जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि सफर जारी है।